नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौहान स्पोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 के बाद 3 वनडे सीरीज खेली जानी है। ऐसे में BCCI ने 3 युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है खुद को साबित करने का, और हम भारतीयों के दिल जीतने का इन खिलाड़ियों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। दोस्तों, कौन है वो 3 युवा खिलाड़ी, उसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए अगला साल यानी 2023 काफी खास होने वाला है। इसी साल के आखिर में भारतीय टीम अपने ही घर में वनडे वर्ल्ड कप भी खेले। नए साल में भारतीय टीम अपना सफर श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज से करेगी। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में इन 3 भारतीय खिलाड़ियों पर काफी दबाव रहने वाला है। ये दबाव खुद को साबित करने का होगा। दोस्तों, यही वो मौका है जिसमें शानदार प्रदर्शन कर ये खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना सकते हैं। दोस्तों, ये 3 स्टार प्लेयर में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, मिडल ऑर्डर बैटर सूर्य कुमार यादव और युवा गेंदबाज उमरान मलिक है। दोस्तों, हार्दिक को वनडे सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि वह रोहित शर्मा के बाद अगले वनडे कप्तान भी बन सकते हैं। T20 में हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंप दी गई है और सूर्य कुमार यादव को उपकप्तान बनाया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वनडे में हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी जाएगी? अगर हाँ तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं।